इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, अब शिवसेना और महाविकास अगाड़ी सरकार में सहयोगी एनसीपी के बीच दरार की खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के बड़े नेताओं को शक है कि शिवसेना के खेमे में जो फिलहाल उथल पुथल चल रही है, जो फूट है, उसके पीछे कहीं शिवसेना के ही किसी बड़े नेता का हाथ तो नहीं है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के घर कल देर रात जो बैठक हुई, उसमें उद्धव से सरकार की बंगले को खाली करने को लेकर जिस तरीके की तस्वीर सामने आई, उसके बाद एनसीपी के खेमे में यह शक गहरा रहा है कि कहीं इस संकट के पीछे कोई सूत्रधार शिवसेना का ही बड़ा नेता तो नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरीके से ठाकरे परिवार, जिसका एकाधिकार एक नियंत्रण होता था शिवसेना के ऊपर, उसके कहने के बावजूद, उसके निर्देशों के बावजूद शिवसेना के विधायक एक एक कर जा रहे हैं, गुवाहाटी पहुंच रहे हैं और बागी तेवरों के साथ एकनाथ शिंदे नया गुट बना चुके हैं, तो ये तमाम तस्वीर जिस तरीके से सामने आ रही है उसको लेकर अब महाविकास अघाड़ी के जो सहयोगी हैं एनसीपी, उसको ये शक है कि कहीं इसके पीछे कोई ऑर्केस्ट्रेटेड स्कीम तो नहीं, कहीं सोची समझी रणनीति तो नहीं। बहरहाल ये महासंकट महाराष्ट्र में लगातार गहराता चला जा रहा है। कल रात डिप्टी सीएम अजीत पवार के घर एनसीपी की बैठक हुई। जाहिर तौर पर जो स्थितियां हैं उसको लेकर एनसीपी भी मंथन कर रही है। वहीं शिवसेना में बगावत के पीछे शिवसेना नेताओं का हाथ तो नहीं, ये शक एनसीपी को है और सीएम का सरकारी बंगला छोड़ने से एनसीपी नेता नाराज हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे ने कल फेसबुक लाइव में बीजेपी पर निशाना भी नहीं साधा, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शिंदे गुट की ताकत सरकार के लिए खतरे की घंटी है, यह एनसीपी को लगातार लग रहा है, एनसीपी के नेताओं का मानना है। और एनसीपी बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। ये तमाम जो बड़ी बातें हैं एनसीपी की जो बैठक है उसको लेकर और सरकार के अल्पमत में आई तो रणनीति क्या होगी, इस तमाम चीज के ऊपर भी चर्चा होगी। तो लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं और हमारे सारे रिपोर्टर्स इस खबर पर हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मातोश्री से हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह जुड़े हुए हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस के घर से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता मौजूद हैं। वहीं रौनक कुकड़े भी महाराष्ट्र की राजनीति के पल पल बदलते मिजाज पर हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित भी इस खबर पर पूरा ओवरव्यू देने के लिए मौजूद हैं, जबकि गुवाहाटी में जहां बागी विधायक हैं उस होटल रेडिसन ब्लू से हमारे सहयोगी सूरज ओझा हैं, साथ ही मनोज्ञा लोयवाल भी गुवाहाटी में हो रही हर हलचल पर हर अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। तो इन तमाम रिपोर्टर्स के साथ हम इस खबर पर, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा रौनक आपका। रौनक, जिस तरीके से कल एनसीपी के नेताओं की बैठक हुई, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि एनसीपी इसके पीछे कहीं ना कहीं शिवसेना का ही कोई हाथ देख रही है कि उनके ही आशीर्वाद से ये वर्षा से मातोश्री तक का शिफ्ट हुआ। जी निश्चित तौर पर, देखिए जो शक एनसीपी के बड़े नेताओं की तरफ से व्यक्त किया जा रहा है, दरअसल वो शक इस बात को लेकर है कि उद्धव ठाकरे जो राज्य के मुख्यमंत्री है, ऐसे में वो पार्टी के अध्यक्ष भी है, सरकार अभी भी यहाँ पर बनी हुई है और ऐसे में जो विधायक है वो एक एक कर जो है वो मुंबई छोड़कर गुवाहाटी कैसे जा रहे हैं, उनका साफ तौर पर जो इशारा है वो शिवसेना के किसी बड़े नेता के बिना आशीर्वाद के ऐसा नहीं हो सकता। ये जो एनसीपी के नेता है उनकी कल जो अजीत पवार के घर पर बैठक हुई उसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई है, ये पुख्ता जानकारी जो है एनसीपी के सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में कोई बड़े नेता का इसके पीछे हाथ है। आने वाले कुछ वक्त में एनसीपी निश्चित तौर पर इस पर अपनी बात जो है वो रख सकती है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि एकनाथ शिंदे के कैंप में लगातार विधायकों की संख्या कैसे बढ़ती जा रही है। ये भी मैं आपको बता दूं प्रणय कि गृह विभाग से जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मुख्यमंत्री आवास पर या मुख्यमंत्री को लगातार इसकी अपडेट दी जाती है, सूत्र ये भी बताते हैं कि करीबन पिछले 6 महीने से एकनाथ शिंदे और उनके इर्द गिर्द के जो करीबी विधायक है वो इस तरह की योजना बना रहे थे। ये जानकारी भी जो है वो गृह विभाग ने मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचाई थी, लेकिन बावजूद बिल्कुल रौनक निश्चित रूप से सवाल तो खड़ा होता है कि शिवसेना ठाकरे परिवार के बीच में उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी सेंध कैसे लग गई। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना के विधायकों के साथ साथ अब सांसद भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में आते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि सूत्रों के मुताबिक, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि 17 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। संसद में शिवसेना की जो स्ट्रेंथ है, शिवसेना के करीब 18 सांसद हैं, उसमें से 17 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। ठाणे के सांसद राजन विचारे और कल्याण के सांसद श्रीकांत शिंदे गुवाहाटी में मौजूद हैं। इसके अलावा वसीम सांसद वासी वासई के सांसद भवानी भावना गवली पालघर में सांसद,
राजेंद्र गवित ने भी अपना समर्थन दिखाया है। तो ये तमाम सांसद, यानी एक तरफ विधायक दल में फूट हुई है तो वहीं संसदीय दल में भी अब फूट की तस्वीर सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा जुड़ रहे हैं। सूरज, तो ये पूरी तरीके से बड़ा स्प्लिट है शिवसेना में, यानी दोनों संसदीय दल में भी अब फूट की तस्वीर। जी बिल्कुल प्रणय, ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि एकनाथ शिंदे अब दिन ब दिन और ताकतवर होते जा रहे हैं। जिस तरह से एक के बाद एक विधायक उन्हें उनसे जुड़ते जा रहे हैं और अब सांसदों ने भी उन्हें समर्थन देना शुरू कर दिया। मैं दिखाना चाहूंगा, इसी होटल में सारे सांसद हैं और सारे विधायक हैं और अब दो सांसद भी इस होटल में मौजूद हैं जिनका समर्थन एकनाथ शिंदे को है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो और ऐसे 15 सांसद हैं जिन्होंने फोन पर एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन बताया है और ये कहा है कि वो इनके साथ हैं, इनकी जो जो विचारधारा है जिसके लिए वो यहाँ पर बैठे हैं उसको वो समर्थन देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है एकनाथ शिंदे के लिए कि एक तरफ विधायकों का समर्थन तो मिल ही रहा है और दूसरी तरफ अब सांसदों का भी समर्थन एकनाथ शिंदे को मिलना शुरू हो गया है। बिल्कुल सूरज, आप बने रहे हमारे साथ में। मैं एक बार रुक करना चाहूंगा, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार इस खबर पर हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकित, जिस तरीके से यह साफ हो चुका है कि अब पावर बैलेंस शिवसेना में शिफ्ट हो चुका है, शिंदे जो एकनाथ शिंदे हैं वो नया पावर सेंटर हैं। श्रीकांत शिंदे तो उनके बेटे ही हैं, वो गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एकनाथ विचारे जो हैं वो भी वहां पहुंचे हैं। और कितने सांसदों के गुवाहाटी पहुंचने की उम्मीद? प्रणय, अभी ये तो जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं आ रही है कि कितने सांसद गुवाहाटी पहुंचेंगे, लेकिन ये जरूर जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि जो सांसद दल है या जो संसदीय दल है शिवसेना का, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त एकनाथ शिंदे के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शिवसेना में ना सिर्फ विधायक बल्कि सांसद भी जो है अब एकनाथ शिंदे के साथ में है। और इसका अंदाजा इसी से लग जाता है प्रणय, कल शाम से ही इसकी जो तस्दीक होने लगी थी जब शाम को 5 बजे उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई अपने सांसदों और विधायकों की, उन लोगों की जो उनके खेमे में हैं। लेकिन उस बैठक में सूत्रों के मुताबिक ज्यादा लोग पहुंचे ही नहीं और उसी के बाद में उद्धव ठाकरे ने सूत्रों से जानकारी ये मिली कि वो बैठक ही स्थगित कर दी और उसी के बाद में वो फेसबुक लाइव किया और जो है जनता से जो है संवाद स्थापित किया। और उस संवाद के दौरान भी उद्धव ठाकरे ने एक बार नहीं बल्कि कई बार ये दोहराने की कोशिश की, देखिए मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, अगर मेरे जो करीबी लोग, मेरे सांसद, मेरे विधायक आकर के मुझसे कहते हैं कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, तो साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को भी कल शाम को 5 बजे इस बात का अंदाजा हो गया कि अब जो पावर सेंटर है वो शिफ्ट हो चुका है एकनाथ शिंदे की तरफ। बिल्कुल अंकित, बड़ी बात कह रहे हैं आप। निश्चित रूप से शिवसेना के अंदर भी साफ हो चुका है कि पावर का जो केंद्र है, सत्ता का जो केंद्र है, ताकत का जो केंद्र है, वो एकनाथ शिंदे की तरफ अब शिफ्ट हो चुका है। पूर्णिया सिटी जानिए। पूर्णिया सिटी, हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी, वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।